लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव 2024 देश की दशा और दिशा तय करने का आम चुनाव है, जिसमें रीवा लोकसभा के आम मतदाताओं से अनुरोध है कि आज देश विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है, जिसमें यदि आपने जात पात मजहब संप्रदाय ऊंच नीच से ऊपर उठकर अपने विवेक से राष्ट्रहित में व जनहित में सरकार चुनने का और जनप्रतिनिधि चुनने का निर्णय नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ नहीं करेगी। यह बातें आज पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक अमर पाटन ने कही। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। दो दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को चुनाव के ऐन वक्त पर अनर्गल एवं निराधार आरोप लगाकर उन्हें जेल की शिकचोक में बंद करा दिया गया, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोगों को डर है कि इनके रहते हुए उन राज्यों में हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए बंद करा दिया गया। इसके ज्वलंत उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हैं। मीडिया के सभी आदरणीय मित्रों, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महापौर आज ये जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई, ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको हमने न्याय पत्र नाम दिया। उसके जो मुख्य बिंदु हैं, वैसे तो 48 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है, हर विषय पर एक दृष्टि है, विजन कांग्रेस का, आगे क्या करेगी कांग्रेस, उसका सबका समावेश है। तो लेकिन 5 जो मुख्य बिंदु हैं, एक है महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए न्याय, और किसानों के लिए कृषक न्याय, और एक है हमारा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सब उसमें शामिल। मुझे प्रसन्नता है आज आप सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, और मैं समझता हूँ 17 वर्षों बाद हालांकि हम बहुत ही जिले के यहाँ का प्रभारी मंत्री भी मैं रह चुका हूँ, लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे अवसर मिला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। प्रदेश कांग्रेस ने ये निर्देश दिया था।